हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल और आज का हमारा टॉपिक है साइट वर्ड्स तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक साइट वर्ड्स सबसे पहले देख लेते हैं साइट वर्ड्स क्या होते हैं साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अवर रीडिंग एंड राइटिंग तो साइट वर्ड्स क्या होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ फ्रिक्वेंटली हमारी रीडिंग एंड राइटिंग में होता है कुछ वर्ड्स हम देखते हैं कि ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हम किस चीज़ को रीडिंग करते हैं कुछ अगर हम राइटिंग करते हैं तो उसमें उनका यूज़ फ्रिक्वेंटली होता है तो ऐसे वर्ड्स को हम साइट वर्ड्स कहते हैं नेक्स्ट है दे डू नॉट फॉलो द यूजल स्पेलिंग रूल्स साइड वर्ड्स होते हैं वो यूजुअली स्पेलिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं कि अगर हम उनको स्पेलिंग बनाकर उनको पढ़ना चाहें, तो हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो स्पेलिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट है देयर साउंड डज नॉट मैच टू देयर लेटर्स तो जो लेटर के साउंड होगी वो लेटर से मैच नहीं करेगी जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं टी एच ई तो हम इसको नॉर्मली हम इसको जो पढ़ते हैं द पढ़ते हैं अगर हम इनको इनके साउंड से बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या बनता है टी एच ई तो इसको क्या पढ़ें ट तो हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं क्यों क्योंकि ये एक साइट वर्ड है और साइट वर्ड की जो साउंड होती है वो उनके लेटर से मैच नहीं करती है और वो स्पेलिंग रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं द तो यही होते हैं साइट वर्ड्स इनका यूज हम फ्रिक्वेंटली अक्सर हम देखते हैं कुछ रीडिंग कर रहे हैं कुछ राइटिंग कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हमें नॉर्मली लर्न करना पड़ता है तो उन लेटर्स की साउंड उनसे मैच नहीं होती है जैसे ही बच्चा किंडर में आ जाता है तो उसको रीडिंग करने के लिए भी दिया जाता है सिंपल वन लेटर वर्ड्स टू लेटर वर्ड्स तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनको हम इनके लेटर साउंड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमें उनको बच्चों को सीधे ही लर्न करवाना पड़ता है आइए देख लेते हैं सबसे पहले टू लेटर साइट वर्ड्स सबसे पहले मैंने आई लिखा है आई टू लेटर्स नहीं होता है लेकिन एक सिंगल वर्ड है जिसको हम आई को आई ही पढ़ते हैं तो इसको तो हम नॉर्मली अल्फाबेट में भी आई ही पढ़ते हैं तो ये आई ही होता है नेक्स्ट है इन आई एन इन एम ए एम एम माई मी इज इट ऑन ऑफ एन अप एज बाय डू गो टू एन एट इन और बी इफ नो अस सो ही तो ये थे कुछ टू लेटर्स के साइट वर्ड इन वर्ड्स में हम एक चीज देख रहे हैं यहां पर लिखा है डी ओ डू जी ओ गो टी ओ टू एसओ तो हम देख रहे हैं बिल्कुल लिखने का तरीका एक ही है हमने लिखा डी लेटर उसके बाद लिखा ओ तो डी ओ को हम डू पढ़ रहे हैं लेकिन जी ओ को हम गो पढ़ रहे हैं इसीलिए इनको साइट वर्ड्स कहते हैं क्योंकि इनके स्पेलिंग इनके लेटर से मैच नहीं करती है और ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो बच्चों को हमें इनको सीधे सीधे पढ़ाना और लर्न करना सिखाना पड़ेगा तो बच्चे अगर छोटी क्लासेस में हैं तो हमें उनको सबसे पहले टू लेटर साइट वर्ड से स्टार्ट कराना है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट थ्री लेटर्स साइट वर्ड्स में जाएंगे उसके बाद फोर लेटर्स में जाएंगे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक कॉपी में नोट कर कर बच्चे को डेली इसकी रीडिंग करवाइए सबसे पहले हम टू लेटर्स साइट वर्ड्स को लेंगे बच्चा अगर उसको पढ़ना सीख गया उसके बाद अगर उसको उसकी स्पेलिंग भी लर्न हो गई साथ ही साथ डेली आप वर्ड्स करवाइए और उसका डेली रिविजन करवाइए बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस एंड उसको रीडिंग करने की प्रैक्टिस नेक्स्ट है थ्री लेटर्स साइट वर्ड्स तो अभी तो हमने देखे टू लेटर्स साइट वर्ड्स अब उसके बाद जो है फ्रिक्वेंटली जो हम यूज करते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं थ्री लेटर्स के तो ये है सबसे पहले टी एच ई द तो हम सबसे पहले देखते हैं द तो हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंट ऐसा वर्ड है कि द तो ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में हमें मिल ही जाता है एंड आर ए आर आर अब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करें र ए हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं तो ये है आर फिर ए एन डी एंड हैज फॉर शी see had all was will who yes you now one but put can use not how may did they get out been तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये है बट बी यू टी बट लेकिन यहां पर पी यू टी को हम पट नहीं बोलेंगे हम इसको यहां पर बोल रहे हैं पुट तो यही साइड वर्ड्स होते हैं बच्चों को इन वर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी हो जाता है वरना बच्चे थ्री लेटर्स के सेंटेंस भी नहीं पढ़ पाते हैं जैसे ही वॉज गोइंग तो अगर बच्चे को ही नहीं पता है कैसे बोलना है वॉज नहीं पता है कैसे बोलना है तो बच्चा नहीं बोल पाएगा तो हमें सबसे पहले टू लेटर्स वर्ड उसके बाद हमें थ्री लेटर्स साइट वर्ड्स को लर्न करवाना है उनके स्पेलिंग्स को लर्न करवाना है और अब देख लेते हैं फोर लेटर्स के साइट वर्ड्स कौन कौन से हैं? फोर लेटर्स साइट वर्ड्स में हैं दे हैव मच लुक जस्ट दैट वर वेन योर फ्रॉम सेड विद मेक इंटू देम मैनी दिस देन There, these, come, like, more, एंड वंस आप चाहें तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चाहें आप इसे ए फोर शीट पर नोट करके बच्चे की टेबल पर पेस्ट कर दें और उसके बाद डेली इसमें से टेन 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 वर्ड्स लेकर के बच्चे को रीडिंग करवाएं और उनकी स्पेलिंग्स लर्न करवाने की उनको प्रैक्टिस करवाएं। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फाइव लेटर साइट वर्ड्स ऐसे कौन कौन से फाइव लेटर्स के साइट वर्ड्स हैं देयर वॉच शेल कुड तो हम यहां पर देख रहे हैं सी ओ यू एल डी एल है एल यहां पर साइलेंट रहेगा इसको हम पढ़ेंगे कुड नेक्स्ट है शुड वुड नंबर पीपल कॉल्ड अबाउट दीज, दोज देयर नो वॉटर पेपर विच थ्री लिटिल बिफोर तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट वर्ड जिसमें मैंने टू लेटर्स साइट वर्ड्स थ्री लेटर्स साइट वर्ड्स फोर लेटर्स साइट वर्ड्स एंड फाइव लेटर साइट वर्ड्स को लिया है और इसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कि बच्चों को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है इन लेटर्स को मैंने लिया है अदरवाइज इनसे ज़्यादा भी साइट वर्ड्स होते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है किसी भी रीजन पर तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू